इस लेक्चर में सन्ट बाउंड डीसी जनरेटर का कनेक्शन डायग्राम एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को समझेंगे दैट हेल्प्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स संट बाउंड डीसी जनरेटर जो है वो एक टाइप का सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है इस टाइप के जनरेटर में जो फील्ड बाइंडिंग रहता है वो आर्मेचर के साथ पैरल में होता है इसलिए इसको सन्ट बाउंड डीसी जनरेटर बोलते हैं आर्मेचर के साथ कार्बन ब्रसेज कनेक्ट है जिसके थ्रू जनरेटेड करेंट को कलेक्ट करते हैं डायग्राम में मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स को सपोज किया है वेयर इज द टर्मिनल वोल्टेज आई एल इज द लोड करेंट आई इज द आर्मेचर करेंट इज द जनरेटेड दर इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस आई एस एच इज वाइंडिंग करेंट एंड आर एस एच इज वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड ब्रशेज को एंड ए से रिप्रेजेंट किया है इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर होता है जैसा कि मैंने डीसी जनरेटर के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था डीसी जनरेटर्स का क्लासिफिकेशन उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर होता है सन्टबाउंड डी जनरेटर के केस में इसका फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरल में कनेक्ट रहता है नाउ कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझेंगे डीसी जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू फाइव जेड एन पी अपॉन सिक्सटी ए इसमें दो टाइप के वाइंडिंग का यूज़ करते हैं अगर वेव वाइंडिंग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ए इज़ इक्वल टू टू होता है एंड अगर लैप वाइंडिंग का यूज़ करेंगे देन ए इज़ इक्वल टू पी होता है ए इज़ द नंबर ऑफ पैरल पाथ एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल इसमें अगर करेंट के वैल्यू को फाइंड करना होगा तो इस तरह लिखेंगे आर्मेचर करंट करेंट आई एज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच आई एल इज़ द लोड करेंट एंड आई एस एच इज़ द सन्टवाइंडिंग करेंट अगर आई एल एंड आई एस एच को कैलकुलेट करना होगा तो उसको समझते हैं अगर हम लोगों को लोड रेजिस्टेंस आर एल का वैल्यू पता होगा दिन आई एल इज़ इक्वल टू वी बाई आर एल इस फार्मूला से आई एल को फाइंड कर सकते हैं एंड अगर आउटपुट पावर का वैल्यू पता होगा तो उस केस में भी आई एल के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाई यूजिंग आई एल इज इक्वल टू पी बाई भी एल एंड आई एस एच के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी विल राइट आई एस एच इज इक्वल टू भी बाई आर एस एच अगर भी इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड आर एस एच इज़ दंट माइंडिंग रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर जो जेनरेटेड ई एम एफ ई है इसका कंजप्शन सर्किट में कहाँ कहाँ पर होता है उसको देखते हैं सो जनरेटेड ई एम एफ का कंजप्शन आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए में होता है एंड लोड के क्रॉस इसका कंजप्शन होता है थर्ड इम्पोर्टेंट फार्मूला है जेनरेटेड वोल्टेज ई इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए इसमें अगर ब्रश वोल्टेज को लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे इंक्लूडिंग ब्रश ड्रॉप जनरेटेड ई एम एफ ई इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस टू बी डेवलप्ड पावर को अगर फाइंड करना होगा दैन वी विल राइट डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई ए आर्मेचर करेंट एंड जनरेटर ई एम एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड uh, अगर आउटपुट पावर को फाइंड करना होगा दैन वी विल राइट भी इंटू आई एल सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इक्वेस डेट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग न्यूमेरकल्स संट बाउंड डीसी जनरेटर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे यहाँ पर जो कर्व है वो संट फील्ड करेंट आई एस एच एंड नो लोड वोल्टेज ई नोट के बीच ड्रॉ किया गया है नो no लोड पर जो ई एम एफ जनरेट होता है दैट इज ई नोट वो फील्ड करेंट के साथ प्रोपोर्शनली वेरी करता है विथ रोटेशनल स्पीड ऑफ द आर्मेचर डायग्राम में वेरियस मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया गया है फॉर वेरियस स्पीड्स एंड जो कर्व्स है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्लाइटली अप फ्रॉम द ओरिजिन ओ ड्यू टू रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म जो कर्व है वो स्लाइटली ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ऐसा होने का मेन रीजन है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म हिस्टेरिसिस लॉस वाले लेक्चर में रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप वहाँ पर जाकर इस टर्म को समझ सकते हैं एंड कर्व का अपर पोर्शन बेंड हो रहा है ड्यू टू सेचुरेशन सेचुरेशन के कारण कर्व है उसका अपर पोर्शन बेंड हो रहा है ए बी ए सी एंड ए डी स्लोप्स है ऑफ गिवेन क्रिटिकल रेजिस्टेंस एन वन एन टू एन थ्री आर दीड्स वेयर एन वन इज ग्रेटर देन एन टू एंड एन टू इज ग्रेटर देन एन थ्री जब हम लोग डीसी मशीन का बात करते हैं लाइक डीसी मोटर और डीसी जनरेटर तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है दैट इज बैक ईएमएफ। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ डीसी सी मोटर हार्मेचर जब स्टेशनरी फ्लक्स को कट करता है तो आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ एम इंड्यूस होता है ड्यू टू जनरेटर एक्शन जिसको बैक ई बोलते हैं एंड जो बैक ई है वो सप्लाई वोल्टेज एंड करेंट को अपोज करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक ई एम एफ इज गिवेन बाय The same expression that is shown below, Eb is equal to n p phi z by 60 a, where Eb is the induced EMF of the motor, known as back EMF. a is the number of parallel path, p is the number of poles, n is the speed, and z is the total number of conductors in the armature, and phi is the useful flux per pole. There are many features of डीसी संट जेनरेटर लाइक दिज आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अवज रेंज ऑफ कॉन्स्टेंट आउटपुट डीसी संट जनरेटर जो है वो ह्यूज रेंज में आउटपुट पावर प्रोड्यूस कर सकता है इस टाइप के जनरेटर्स में ह्यूज टर्मिनल लोड्स इंक्लूड रहता है इसको डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी सिंपल होता है चेंजेबल आउटपुट पावर देने के लिए डीसी संट जेनरेटर का यूज किया जाता है इस टाइप के जनरेटर की एफिसंसी जो है वो एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट इंक्लूडिंग 85 फाइव टू नाइनटी परसेंट तक होती है इस टाइप के जनरेटर का जो वेट है वो लेस होता है देर आर मनी अप्लीकेशन ऑफ डी सी सन्ट जनरेटर इस टाइप के मोटर का यूज़ इलेक्ट्रो प्लेटिंग में किया जाता है इसका यूज़ बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है इसका यूज स्टेबल वोल्टेज अप्लीकेशन में किया जाता है डीसी संट जनरेटर जो है वो लाइटिंग एंड एक्साइटेशन अल्टरनेटर्स में प्रोवाइड करता है इसका यूज फील्ड एक्साइटेशन ऑफर करने के लिए डीसी लोकोमोटिव्स लोकोमोटिव में एज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग किया जाता है दिज आर यूज स्पीड कंट्रोल रिक्वायर्ड लाइक इन डी मोटर्स इस टाइप के जनरेटर्स का यूज एज अ पोर्टेबल जनरेटर किया जाता है जहाँ पर लेस पावर की रिक्वायरमेंट होती है इसका यूज़ आर्क वेल्डिंग में किया जाता है वे हाई वोल्टेज ड्रॉप्स एंड अस्टेबल करेंट इज ने तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें